नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानमंडल के दोनों सदनों में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष का राजभवन मार्च। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप का किया अनुरोध। उच्चतम न्यायालय ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को नीट की परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को 81 रन पर समेटा। विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और सदन में इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर जमकर हंगामा किया। हंगामे और शोरगुल के कारण 3 बार बैठक स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश से पहले के सत्र में कोई कार्यवाही नहीं हुई। हंगामे के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार बोलते रहे। श्री यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में जांच को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की फोन पर की गई बातचीत के ब्यौरे को सार्वजनिक करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना है, वो नियम से अपनी बातें रखे तो सरकार उसका जवाब देगी। भोजनावकाश के बाद दोबारा जब दिन के 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गए, जिसके बाद अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने शाम 4:55 तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। तीसरी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। विपक्ष के सदस्य फिर से हंगामा करने लगे। शोरगुल और नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ने चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरे अनुपूरक बजट को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इसके बाद कुछ अन्य जरूरी विधायी कार्य निपटाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। विधान परिषद में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले और खराब विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। इस मुद्दे को राजद के रामचंद्र पूर्वे ने उठाया। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद कार्यकारी सभापति हारून रशीद ने सदन की कार्यवाही दिन के 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राजद के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। स्थिति शांत नहीं होता देख सभापति ने कल दिन के 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने आज राजभवन मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्य इसमें शामिल हुए। श्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के परीक्षार्थियों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। ये फैसला देश भर में 2019 के MBBS और BDS में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा। न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन देने की समय सीमा 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश को स्वास्थ्य देखभाल और कृषि क्षेत्र के लिए GST जैसे संघीय ढांचे की जरूरत है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में श्री जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य देखभाल के लिए अलग अलग खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को लोगों की पहुंच में लाने और वहन करने योग्य बनाने के लिए उन्हें एकीकृत कर देना चाहिए। श्री जेटली ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना रफ्तार पकड़ लेगी, जिससे मरीजों को अपने अधिकार प्राप्त हो सकेंगे और इसके अंतर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सुधार आएगा। खगड़िया जिले के मानसी में प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का आज होने वाला उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल इसका उद्घाटन करने वाली थीं। खगड़िया पहुंचने पर निरीक्षण के दौरान प्रमोटर द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने के कारण केंद्रीय मंत्री ने इसके लोकार्पण से इनकार कर दिया।
श्रीमती बादल ने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जायेगा और संबंधित कंपनी को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस फूड पार्क के संचालन की निगरानी मंत्रालय स्तर पर की जायेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में रालोसपा नेता और नर्सिंग होम संचालक प्रेमचंद कुशवाहा की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई घंटे तक लोगों ने सड़क जाम किया। गौरतलब है कि कल देर रात सिरहा रोड करबला के पास अज्ञात अपराधियों ने नर्सिंग होम संचालक की हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दिन प्रतिदिन राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ रही है। श्री कुशवाहा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। जदयू छात्र नेता और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज की कुछ छात्रों ने आज पिटाई कर दी। श्री भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चुनावी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। इधर छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न संगठनों ने अभियान तेज कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद 122 प्रत्याशियों में से 7 का नामांकन रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के तलाक के आवेदन पर आज पटना की एक निचली अदालत में सुनवाई हुई। श्री यादव ने अपनी नवविवाहिता पत्नी ऐश्वर्या राय पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अदालत में तलाक की अर्जी दी है। ऐश्वर्या राय राजद नेता और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की पुत्री हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के लोग अदालत में उपस्थित थे। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के दूसरे दिन आज बिहार ने सिक्किम के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 150 रन बना लिए हैं। बिहार की ओर से मोहम्मद रहमतुल्ला ने सबसे अधिक 66 रन बनाए। वहीं इंद्रजीत कुमार ने 30 रनों की पारी खेली। इससे पहले सिक्किम की पूरी टीम अपनी पहली पारी में मात्र 81 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बिहार की ओर से घातक गेंदबाजी करते हुए आशुतोष आमन ने सिक्किम के 5 बल्लेबाजों को आउट किया। दरभंगा में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने एक ड्रग इंस्पेक्टर सहित 2 लोगों को 60,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी राजेंद्र को सिविल सर्जन कार्यालय से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी एक दवा दुकान के लाइसेंस को बहाल करने के लिए संचालक से घूस ले रहे थे। पूछताछ के बाद दोनों को मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जायेगा। भोजपुर पुलिस ने पीरो अनुमंडल के सिकरहट्टा थाना अंतर्गत सिकरहट्टा गांव में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी राइफल, 1 देसी पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए हैं। शेखपुरा में पुलिस ने बिहार ग्रामीण बैंक के कैथवा शाखा में 54 खातों से 34 लाख रूपये निकाले जाने के मामले में बैंक ग्राहक सेवा के संचालक विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नवादा जिले में हेसुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोनिंग कर लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के उप विकास आयुक्त कंचन कपूर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 3 महीने के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 4,000 से अधिक आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानमंडल के दोनों सदनों में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष का राजभवन मार्च। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप का किया अनुरोध। उच्चतम न्यायालय ने 25 वर्ष से अधिक उम्र के अभ्यर्थी को नीट की परीक्षा में शामिल होने की दी अनुमति। और पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को पहली पारी में 81 रन पर समेटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।